दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो आप सभी अपने फ़ोन में प्ले स्टोर जरूर चलाते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी प्ले स्टोर पर जाकर ही कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फिर चाहे वो गेम हो, एप्लीकेशन हो, या फिर अगर किसी एप्लीकेशन को अपडेट करना होता है तो भी आप प्ले स्टोर से ही उस एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके प्ले स्टोर की 4 बहुत ही सीक्रेट खतरनाक अल्टीमेट सेटिंग ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, जो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की है। और दोस्तों, इन्हें जानने के बाद आप इतना खुश हो जाएंगे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि काश मुझे इन ट्रिक्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए था। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आप काफ़ी ध्यान से देखना और समझना, और उसके बाद दोस्तों आपके 2-3 मिनट बेकार नहीं जाने वाले हैं। और दोस्तों, जो चौथे नंबर पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक काफ़ी ज़्यादा VIP है, एकदम बूम क्वालिटी की ट्रिक है, तो आपको उस ट्रिक को जरूर देख के जाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस बटन को प्रेस करके वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए वीडियो देख रहे हैं तो लाल बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे दोस्तों हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। उसके बाद दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जाना, और कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है, आपको प्ले स्टोर ट्रिक्स लिख के सेंड कर देना है। साथ ही दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर आग की तरह फैला दीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में इस ट्रिक को यूज कर सकें। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस वीडियो के अंदर हम आपको आपके प्ले स्टोर की 4 बहुत ही हिडन सीक्रेट नई ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, चौथे नंबर की ट्रिक तो आपको जरूर देख के जाना है, क्योंकि वो ट्रिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा VIP है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी पहले ट्रिक की। तो दोस्तों, पहले ट्रिक को करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो है प्ले स्टोर को अपडेट कर लेना है, क्योंकि ये सारी नई सेटिंग्स हैं। अगर आपका प्ले स्टोर अपडेट नहीं है तो ये सेटिंग्स आपके प्ले स्टोर में नहीं आएंगी। अब दोस्तों, पहली सेटिंग ही यही है, हमारी पहली ट्रिक ही यही है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन, कोई गेम अपडेट करना होता है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर उसे अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अपना प्ले स्टोर ही अपडेट करना हो तो आप प्ले स्टोर कैसे अपडेट करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है, और लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों, आप जब सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अबाउट में चले जाना है। अब दोस्तों, आप जब अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्ले स्टोर वर्जन अपडेट प्ले स्टोर, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अब दोस्तों, आप जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको अंडरस्टूड पर टाइप कर देना है, उसके साथ ही दोस्तों आपका प्ले स्टोर अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी कमाल का फीचर है, आप 1 क्लिक में अपने प्ले स्टोर को चुटकियों में अपडेट कर सकते हैं, और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं प्ले स्टोर की अपनी सेकेंड ट्रिक की। तो दोस्तों, सेकेंड ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा VIP है, और दोस्तों इस ट्रिक की वजह से भी कई बार आपका काफ़ी ज़्यादा मोबाइल डेटा वेस्ट चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी मोबाइल में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और गेम्स को डाउनलोड करते हैं, लेकिन दोस्तों हमें नहीं पता होता है कि ये गेम जो है ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। जब हम उस गेम को डाउनलोड कर लेते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये गेम वास्तव में ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है। लेकिन अब दोस्तों, आपके प्ले स्टोर में ही एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसी सेटिंग है जहां पर जाकर आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये गेम जो है ऑफलाइन चलेगा या ऑनलाइन चलेगा। तो इससे दोस्तों, आप डाउनलोड करने से पहले इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और आप जिस भी गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं वो गेम जो है आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक गेम जो है सर्च कर लेता हूँ, सबवे सफ़र सर्च कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये गेम आ चुका है, तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लेफ्ट साइड में ऐसे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा ऑफलाइन, मतलब ये हमारा गेम जो है वो ऑफलाइन चलेगा, ऑनलाइन नहीं चलेगा। इसी तरीके से दोस्तों, मैं यहाँ पर BGMI सर्च कर लेता हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर BGMI मैंने सर्च कर लिया है, उसे मैं यहाँ पर सर्च करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब ये गेम आपका ऑनलाइन चलेगा। तो दोस्तों, बस इस तरीके से, इस ट्रिक की मदद से आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि आप जिस गेम को डाउनलोड करने जा रहे हैं वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो अगर आप उसे नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो इससे दोस्तों आपका मोबाइल डेटा काफ़ी बच जाएगा। तो काफ़ी कमाल का फीचर है, किसी भी गेम को डाउनलोड करने से पहले आप लोग इस फीचर को जरूर ट्राई कीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं प्ले स्टोर की अपनी थर्ड ट्रिक की, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा VIP है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के मोबाइल में बहुत सारी email ID लॉगिन होती हैं, और दोस्तों आपको जब किसी दूसरी ID से अपना प्ले स्टोर जो है लॉगिन करना होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने लोगो पर जाते हैं, और लोगो पर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर टाइप करते हैं, उसके बाद आप अपने दूसरे अकाउंट से लॉगिन करते हैं। लेकिन अब दोस्तों, ऐसा करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं, आपका जो लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको सिंपली इस तरीके से डाउन स्वाइप कर देना है, और आपकी ID चेंज हो जाएगी। तो आप जितनी भी ID से लॉगिन करना चाहते हैं आपको उस तरीके से टाइप कर देना है, स्वाइप करना है नीचे, और फिर आप देखेंगे कि आप
आपकी जो है ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये फीचर भी आपका काफ़ी कमाल का है और इस फीचर की मदद से आप बड़ी ही ईजिली जो है एक आईडी से दूसरी आईडी में बहुत ही जल्दी लॉगिन हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्ले स्टोर की चौथी ट्रिक की, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीआईपी है। और दोस्तों इस ट्रिक की वजह से अगर आपके फ़ोन में जो है बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं और आपका फ़ोन हैंग करता है, आपका मोबाइल डेटा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट चला जाता है, तो इस प्रॉब्लम से आपको चुटकियों में छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और आपको प्ले स्टोर ओपन करने के बाद अपने लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक फर्स्ट नंबर पर सेटिंग मिल जाएगी मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, तो इस पर आपको दोस्तों टैप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपकी मेमोरी आपको शो होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से टैप करना है। अब दोस्तों आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप किन एप्लीकेशंस का यूज़ नहीं करते हैं और कौन सी एप्लीकेशन आपके काम की नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन पड़ी है तो मैंने 1 अप्रैल को यूज़ की थी, तो इसे यहाँ से आपको टैप कर देना, उसके बाद यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। इससे दोस्तों आपके फ़ोन की मेमोरी जो होगी वो रिलीज़ हो जाएगी और आपका फोन का हैंग होना भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये 4 ट्रिक्स थी जिन्हें आप लोग अपने प्ले स्टोर में जरूर यूज कीजिए और काफी ज्यादा काम की ट्रिक्स हैं। डेली बेसिस पर मोबाइल यूज करते समय, प्ले स्टोर यूज करते समय ये ट्रिक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ।